शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की जय, गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्ण शरण। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरों साधु भगवान का अंतिम चरण में आन पहुंची है, जहां भगवान जी सार रूप में अपना उपदेश कह रहे थे और हम सुन पा रहे हैं जो प्रभु जी सार रूप में हमें समझा रहे थे। तो सब धर्म छोड़, और धर्म होता है अपने अहमपना का कर्तव्य, जो अहंकार के आधार पर हम धर्म का अर्थ मजहब कहीं नहीं आया। क्यों? जब गीता जी आज से 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुई, उन दिनों धर्म था कौन सा? केवल वैदिक सनातन धर्म। सनातन कहते हैं जो अनादि काल से चल रहा हो। जानते हो वैदिक धर्म कब से चल रहा है? शायद कोई ना बता पाए वैदिक धर्म कब से चल रहा है। जब से सबसे पहला पुरुष मनु ने इस धरती पर पग रखा। तो मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने इस धर्म को प्रकट किया। ये नहीं कि धर्म पहले नहीं था, धर्म पहले था, भगवान जी में था। तो भगवान जी ने हमारे कल्याण के लिए प्रकट किया मनु के द्वारा। वाह, ये बड़े अच्छा समझाया गया। मनु जी ने ये पहले ये उपदेश सूर्य को दिया गया। सूर्य ने अपने बेटे मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने आगे राजो महाराजो ऋषियों को दिया। वो यूं ही अब हमारे हाथ में आ रहा है। तो धर्म का अर्थ रिलीजन या मजहब से नहीं, जो भगवान जी के ये अर्थ का करते ऐसा अनर्थ करते हैं। कहीं भी धर्म का मतलब मजहब से नहीं, स्वभाव, कर्तव्य। तो भगवान कहते अपने कर्तव्य के अनुसार हमने जुटे रहना है, लगे रहना। शाबाश। जो हमारा कर्तव्य हमारा कैसे होता है? कर्तव्य हमारे होता है संस्कारों से, और संस्कार भी पिछले जन्म के लेके आता। इसलिए बड़ी कोशिश करने पर भी कोई अपने विचार नहीं बदलता, चूंकि विचार अब नहीं मिले, विचार पिछले जन्म के मिले। एक तर में दाखिल, एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवास। आप जितना एकांत में बैठ के विचार करेंगे, आपका मन माने बिना रह ही नहीं सकता। नहीं तो बहन भाइयों में फर्क ना होता। पूरी कोशिश की जाती है, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन विचार अलग अलग, स्वभाव अलग अलग, रहनी सहनी अलग अलग, हालांकि माँ बाप एक है। तो पिछले जन्म के संस्कार हैं, जो पिछले जन्मों को नहीं मानते महामूर्ख हैं। भगवान पर बड़ा भारी इतराज आता है कि अगर ये एक ही जन्म है, पहला जन्म है, तो सारे एक जैसे होने चाहिए। सब नारियां एक जैसी, सब नर एक जैसे, एक जैसा खाना पीना, रहनी सहनी। अगर जैसे मुसलमान कहते हैं, जैसे ईसाई अपनी गलती को प्रकट करते हैं, ये पहला जन्म नहीं, अनेक जन्म हुए गए। और वो जीव अपने संस्कार लेके आता है। अगर अनेक जन्म न होते तो ये मुक्ति वाला सवाल ही नहीं उठता। फिर तो हर एक इंसान मुक्त, जैसे मुसलमान बोले ऐसी भोली भाली बातें कह के अपनी जनता को बहका रहे गए कि यही हमारा पहला आखिरी जन्म है। गलत। उनके मौलाना रूम नहीं मानते, उनके बुल्ले शाह नहीं मानते, उनके बाहू नहीं मानते, उनके जैसी मुसलमान कभी नहीं मानते। वो जोरदार शब्दों में उनका विपक्ष लेती है, गलत, ऐसा नहीं होता। तो आप भी विचार करना मेरी देवियों, सिर्फ आप इन्हीं कोरे धंधों में नहीं रह जाना, अपनी बुद्धि का विकास करो और आगे बढ़ो और आगे निकलो। खास करके आप जो एक महीना लगातार आ रही हैं या मुद्दत से मेरे भगवान की चोटी की अत्यंत क्रांतिकारी गीता सुनने आ रहे हैं। गीता क्रांतिकारी अर्थात इनकलाबी है, कोई एकाग्रता पूर्वक सुने तो इनकलाब आए बिना रह ही नहीं सकता। अर्थात मन के विचारों में बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता। वो पुराने इरादे नहीं रहते, पुराने विचार नहीं रहते, पुराने कर्म नहीं रहते, पुरानी स्वभाव नहीं रहता, एकदम कायाकल्प। इसलिए मैं क्या करता हूं, गीता का सत्संग क्या है, गीता के सत्संग में ओवरहॉलिंग हो जाती है हमारी मन बुद्धि की। जैसे पुरानी आप अपनी गाड़ी लेके आती है, क्या कहते भाई ओवरहॉलिंग कर दे, क्या मतलब होता है, भन्ने टूटे पुर्जे निकाल दे, रंग नया कर दे, जो चीज तो देखता भी टूटी भन्निया निकाल दो, टायर ट्यूब देखते हो पुराने निकाल दो, ये ओवरहॉलिंग होती है। पुराने हटाकर नए रखना, ओवरऑलिंग शब्द नहीं है, ओवरहॉलिंग है, HAUL OVER HAUL, नॉट ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग कोई शब्द नहीं, ओवरहॉलिंग अर्थात अंदर घुसो, हॉल होता है अंदर घुसना, अंदर घुस के देखो क्या गड़बड़ है, निकाल दो। यहां भी हमारी मन बुद्धि की ओवरहॉलिंग है, जो चीज अशुभ इरादे, अशुभ विचार है, अशुभ कर्म है, अशुभ संगत है, सब निकाल देनी। उस जगह शुभ विचार, शुभ संगत, शुभ इरादे, शुभ ही कर्म करके इसे बोलती है। फलाने में क्या इंकलाब आ गया, फलाने में बड़ा भारी क्रांति आ गई। तो गीता बड़ा अच्छा पार्ट प्ले करती है इंसान की आंतरिक क्रांति लाने में। जैसे गांधी जी ने देश में आजादी के साथ क्रांति लाने में बड़ा भारी पार्ट प्ले किया। नंबर 1 पे गिने जाएंगे महात्मा गांधी, जिन्होंने देश में एक शानदार इंकलाब लाया। गीता नंबर 1 पे गिनी जाएगी। जो इंसान अपना कल्याण करना चाहता है तो गीता का नंबर 1 आएगा। गीता इंकलाब लाने में नंबर 1 है। इसी में आपको गाहे बगाहे सुनाता रहता हूं, जब कभी कब तक काम क्रोध लोभ का बोल वाला होगा, कब तक गंदी आदत और गंदी संगत का बोल, इससे दुख पर मिलेगा, जलील होंगे, खराब होंगे, बर्बाद होंगे। आखिर इंसान अपनी इंसानियत को संभालेगा कि नहीं, जरूर। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबां पे सबसे पहले, जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबां पे सबसे पहले आएगा। इंसानियत के रास्ते पे नंबर 1 गीता लगाती है। इंसानियत के रास्ते पे लगाने में गीता का नंबर 1 है। मुझे महापाप लगे अगर मैं बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूं तो यह बिल्कुल सच्चाई की बात है। धर्म कंधे पे तोल के बोल रहा हूं। इंसान के आंतरिक इंकलाब लाने में, शानदार इंकलाब लाने में गीता का नंबर 1 है। गीता का पहला नंबर किसमें, इंसानियत लाने में, इंकलाब लाने में, इंसान के अंदर ओवरहॉलिंग लाने में। और ये सत्संग क्या है, ओवरहॉलिंग स्टेशन ऑफ व्हाट, ऑफ इंटेलेक्ट एंड माइंड। हमारी बुद्धि और मन को बदलने का ये ओवरहॉलिंग स्टेशन है। या हो क्या रहा है, हमारे पुराने अशुभ विचार जा रहे हैं, देख लो। हमारे पुराने अशुभ इरादे जा रही हैं, देख लो। हमारी पुरानी गंदी आदत जा रही है, देख लो। हमारी पुरानी गंदी सोबत जा रही है, देख लो। हाँ, हमारे पुराने गंदे फैशन जा रहे हैं, देख लो। हमारा गंदा खाना पीना जा रहा है, देख लो। वो सचमुच वो हमें अब अच्छे ही नहीं लगती, गंदी सोबत नहीं अच्छी लगती, गंदे कपड़े नहीं अच्छे लगते, गंदे विचार करने नहीं अच्छा लगता, सिनेमा में जाना नहीं अच्छा लगता। देख लो, आप ही देख लो मेरे सजनों, मेरी देवियों। अब वो सहेली आपको नहीं अच्छी, गंदी मंदी बातें करने वाली, गंदी नावल उपन्यास सर्वानक प्ले पढ़ा के कैरेक्टर बर्बाद कराने वाली, हमें नहीं अच्छी लगती। आप अपने आप को देख लो। अब पुराने यार भी आते हैं, मुझे माफ कर दे, मेरा दिल नहीं लगता, तुझे क्या हो गया, मेरा मन नहीं लगता इन बातों में। आप रो रो के कहते नहीं मेरे नहीं मन लगता। भगवान का वो फरमान पूर्ण सत्य हो रहा है कि नहीं, कौन सा, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेद। इसको बोलती है इनकलाब जिंदाबाद। कैसा इनकलाब, सामाजिक नहीं, पारिवारिक नहीं या कोई बहुत बड़े संसार का नहीं। ये कैसा इनकलाब है? हमारा जाती इनकलाब, हमारा मानसिक इनकलाब। वाह, शानदार क्रांति है ये, एक गोल्डन रेवोल्यूशन है। भगवान की बड़ी दया हो मेरे सज्जनों, हमने देश का इनकलाब भी देखा, शरीर के रहते हुए अपने अंदर का भी इनकलाब हम खुद ही देख रहे हैं। इसे बोलेंगे आंतरिक इनकलाब। ओ मेरी भगवती, आंतरिक इनकलाब। हमने इन्हीं आंखों से क्या घोर काली रात्रि से अमावास्या बोलती है वो भी देखी, और इन्हीं आंखों से हमने कई बार पूर्णिमा भी देखी। कल पूर्णिमा फिर देख लेना है, कितना अंतर होता है अमावास्या और पूर्णिमा में, बड़ा भारी अंतर। एक रात्रि में बिल्कुल घटा तो अंधेरा होता है, हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता, और दूसरी रात्रि में पूर्णिमा में ओए होए 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 होए, पक्षी भी उड़ते रहते हैं, बच्चों को भी नींद नहीं आती, चहल पहल चहल पहल। इसी तरह जब भगवान की वाणी मन में बैठने लगती है और अंदर इनकलाब आता है तो बिल्कुल यही अंतर होता है। पहले हमारी लाइफ क्या थी? पूर्णिमा भरी। अब लाइफ हमारी क्या बन रही है? पहले लाइफ पर थी अमावस्या भरी, अब पूर्णिमा भरी। पहले अंधकार से भरी हुई लाइफ थी। ये गंदे विचार, गंदे इरादे, सारी डार्कफुल लाइफ है ना। नाउ लाइटफुल लाइफ, शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म। भगवान की मेहरबानी, यही भगवान अखीर में कह रहे हैं, झाड़ 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 पर है, ये गंदमंद झाड़ दे। मेरे स्वामी जी ने बताया इस श्लोक का अर्थ क्या है। ये सब कंटे छोड़ और ले मेरी राह तो मांगा के दवर में, उन्होंने ये कहा कि ऐसा करो, किसी किसान के खेत में चलो। सुनो सुनो, महापुरुष ने अर्थ कैसे निकाले, एकाग्र हो जाओ। क्या? हाँ, खासकर उस किसान के खेत में चलें जहां सब्जी बोई जाती है। ये देखिए किसान क्या कर रहा है, इसने ढेर लग रखा है मूलियों का, गाजरों का और शलगम का। देखो देखो, तीन ढेर लगे पड़े हैं, मूली, शलगम और गाजरें। हाँ, ये देखिए इनका परिवार आ गया, छोटे बड़े सारे आ गए। हाँ, ये देखिए उन्हें गट्ठे अपने सिर पे रख ली, मूली, गाजर और शलगम की। हाँ, ये कहाँ ले गए? चलो तो हम भी साथ चलते हैं, हमें ये इस श्लोक का अर्थ निकल आएगा। चलते गए चलते गए चलते गए, वो भी आ गया, गप्पे मारते चलते गए। ये क्या आ गया? तालाब। क्या आ गया? सरोवर। सरोवर आ गया। तीनों चारों पांचों गांठे रख दी गई। सारे परिवार के पिताजी, माताजी, बहने और भाई बैठ गए। क्या कर रही है? ध्यान देना, क्या कर रही है। इधर वाले बोलते हैं पतोर रही है, पतोर रही है। पतोरना क्या? ये मूली को जो भूखे लगी है, लंबी लंबी मूछे तोड़ रही है। ऊपर जो भूखे थी तोड़े जा रही हैं, और जो मूलियां तो ऊपर से भूखे तोड़े जा रही हैं, अनवांटेड निकाले जा रहे हैं, और दूसरे उधर धोए जा रही हैं। ऊपर मिट्टी तो लगी हुई थी ना, अब धोए जा रही हैं। ऊपर के भूखे उतार उतार करके अब धोए जा रही हैं। यही हाल मूली का है, यही हाल गाजर का है, यही हाल आपने शलगम का है। हाँ, अब धो के देखिए कितने गोरे गोरे निकल आए। बेटे कितने गोरी गोरी मूली, कितने गोरी गोरी लाल 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 बिना मेकअप के गाजर। हाँ, और शलगम देखिए कितने, थोड़ी थोड़ी लाली, इधर 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 सफेदी। पहले नजर नहीं आती थी लाली सफेदी, चूंकि ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई थी, और कई चीजें भूखे भूखे भी थी। पतोरना, साफ करना, और पानी से धो करके टोकरी में रख देना। बिल्कुल ये श्लोक यही कह रहा है कि अगर तू अपने आप को पतोरना और सुंदर बनाना चाहता है, ये सब कुछ छोड़ के भगवान की राह पे पकड़ के अपना कल्याण पतोरो पतोरो पतोरो। ये भगवान जी कह रहे पतोर लो, धो लो। तो तब धर्म छोड़ा और ले मेरी राह मांगा के दामन में मेरे पनाह। आप अपने आप को देख लो, पतोरना नहीं तो और क्या है, ये पतोरना ही तो है। स्वामी विवेकानंद क्या कहा करते थे, ये श्लोक ये कह रहा है गोडी करो गोडी करो गोडी करो गोडी करो। क्या होती गोडी? किसान अपना गेहूं का फसल लगाता है, और परिवार फिर सारा रहता हाथ में खुरपे लेकर के। क्या कर रहे हैं? गुड़ाई कर रही है, घास फूस निकालते जा रही है, और जो खुदरो उसमें चीजें होंगी सब निकालते जा रही हैं, धरती को पोला कर रही हैं। और वो जो गेहूं की जो बूटियां वो रह रही हैं, गेहूं की जो अंकुर है वो रह रहे, बक्सा निकालते जा सब। हाँ, तो ये श्लोक कह रहा है गोडी करो गोडी करो। जो भगवान जी ने कहा है वो रहने देना है, बाकी जो कुछ भी अनवांटेड है, अवांछनीय है, निकाल दो सब। ये अर्थ इसका, सब टंटे छोड़ और ले मेरी, ये गोडी करना अपनी। और धर्म स्थान में आकर होता क्या है, गुडाई करना, अनवांटेड निकाल देना, वांटेड रखना। कई शिकायत करते देखो ना सत्संग में आ रही है, फिर भी तू क्या, फिर भी इनमें कमजोरी है, फिर भी ये ऐसा करते। भाई भगवान ने जहान ही ऐसा बनाया है, भगवान ने नेकी और बदी दोनों मिला के जहान बना, वो हमारे में भी है। हम बदी को तो निकाले जा रहे हैं, यहाँ के ये कहना कि मैं फलाने में ये बदी है, फलाना यहाँ भी आता है फिर भी ये करता है, तो कोई बात नहीं। या अगर हम दूध के धुले हुए होते, हमें सत्संग की जरूरत ही ना होती। यहाँ आने का मतलब ही यही है कि कुछ हमारे में कमजोरियां हैं, उनको निकालना है। तो आप कमजोरियां मत देखो ना, आप गुण देखो, आप गुण ग्राहक बनो। आप देखते नहीं है क्या नियम क्या है भगवान का, नियम यही है, कांटे अनेक और गुलाब का फूल एक। हमारे में कमजोरियां होंगी, उन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए हम आ रहे हैं। आप फूल पर नजर मारो, किसी में गुण भी तो होंगे, हमारा गुण भी है। आप गुणों की ओर देखो, कमजोरियों को ना देखो। अगर आप कमजोरियां देखेंगे तो वो कमजोरियां आप में आ जाएंगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप किसी में कमजोरी ना देखो। ओ मेरी बेटी देखो ना, उसमें अंदर ये, तो कोई बात नहीं, कुछ उसने कमजोरियां दूर भी की होंगी। हाँ, तो बस यही गुण गाले कि उसकी कई कमजोरियां चली गई हैं, कई कमजोरी चली जाएंगी। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करता। भगवान ने जड़ और चेतन गुणों और दोष दोनों मिला के संसार बनाया। यहाँ आकर के हम अपने गुणों को कम करते जा रहे हैं, अवगुणों को और भी कम, और गुण भरते जा रहे हैं। अगर किसी ने हमारे किसी अवगुण को देख भी लिया तो गलती उसकी ये है कि जो अवगुण हम छोड़ चुके हैं वो नहीं देख रहा, जो अवगुण अभी हमारे हैं उसी पर नजर मार रहा। तो अगर हमारे सारे अवगुण निकल जाते तो क्या हमें भगवान के दर्शन न हो जाते? तो मेरे सज्जन पुरुष, अवगुण मुझे बताने वाले, फलाने में ये है, तो आप ये ना देखो। ये देखो उसने कई अवगुण जीत भी लिए हैं, कई अवगुण को भगा दिया है, बाकी है वो भी जीत लेगा, वो भी कर लेगा। उसके गुणों की ओर देखो, जिसमें ये कमजोरी है बड़ी जल्दी चेक कर लो। आप गुणों की ओर देखो बेटे, उनमें गुण कितने आ गए हैं, बाकी जो रहेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। किसी ने कहा देखो ना यहाँ पर इतना गंद पड़ा हुआ है, आप कब आए हो? मैं 10-12 दिन से आ रहा हूँ। तो पहले यहाँ बड़ी रूढ़ी थी, बहुत निकाल दी गई है, थोड़ी सी रह गई है, थोड़े दिनों में ये भी उठ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, तो उसकी वो देखो ना, ये इतना बुरी, कोई बात नहीं, सत्संग में भी आता ये करता है, कोई बात नहीं। पहले इसमें बड़ी कमजोरियां थी, अब थोड़ी रह गई है, भगवान कृपा करेंगे दूर हो जाएंगी। हमने गुण देखने हैं, भगवान कह रही है इन छोड़ो, इनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद न रखा करो। भगवान ने दुनिया में नेकी और बदी दोनों मिला के संसार बनाया। बदियों को दूर करने के लिए ही हम भगवान की संगत में आते हैं। ये अनवांटेड टू बी रिमूव्ड, स्टिल टू बी रिमूव्ड। आप गुण ग्राहक बनो। आप उस दुकानदार, बढ़िया दुकानदार की क्यों निंदा कर रहे हैं? देखो ना सिगरेट बेचता है, देखो ना वो बेचता है, तम्बाकू बेचता है, देखो ना नस्वार बेचता है। भाई छोड़ो, तो उसके पास खांड भी है, शक्कर भी है, हाँ उसके पास मीठी मीठी चीजें भी तो है ना, जो आपको चाहिए मिट्टी दे ले लो। पर ये शिकायत करते हो, ये उसमें ये भी आप गुण है, तो क्या हो गया? उसमें गुण भी आ गए हैं। वो सवेरे उठता भी है, स्नान भी करता है, जाप भी कर रहा है, भजन भी कर रहा है, और अपनी नेक कमाई का कुछ दान भी करता है। ये क्यों नहीं देखते? भूल है, हमारी भूल है। सच में जो हमें गुण देखने चाहिए, अब गुण नहीं। यही हमारे प्रभु कह रहे हैं, सब टट्टे छोड़ ले मेरी राह, मांगा के दामन में मेरी पनाह। ओवरहॉलिंग जो हो रही है, तो कई टूटे पुर्जे नए बन चुके हैं, लगा चुके हैं, और कई अभी ओवरहॉलिंग होने हैं। ऐसा देखोगे तो गुण आप में आते जाएंगे। हर एक में गुण देखने की कोशिश करो। आप भी देखो, मेरी देवी, मेरी भगवती, मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, गुण देखे और गुण देखे। जो तो चंद्रमा के भी अंदर गौर से देखा जाए तो कालक नजर आती है। कल पूर्णिमा देखना, सेंटर में आपको कालक नजर आएगी, क्योंकि भगवान ने बनाया जो गुण अवगुण दोनों मिला के सृष्टि बनाई है। तो भगवान की ये कृपा है, अवगुण आपके कम होते जा रहे हैं, और जो भगवान ने गुण बनाया वो आप में बढ़ते जा रही है। बदी को आप छोड़ते जा रही हैं, नेकी की ओर बढ़ने की चेष्टा कर रही हैं, कभी गिर जाती हैं फिर उठ बैठती हैं। यह भगवान की बड़ी कृपा, ये मेरे प्रभु की बड़ी दया। आज मेरे प्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान आपको शक्ति दें, मेरा सुनाना सफल हो, मेरा यार रहना सफल हो, आपका नित्य प्रति श्रद्धा प्रेम पूर्वक आना सफल हो। ये गाहे बगाए जो हमारे ऋषियों के अनमोल कथन और दूरदर्शिता के कारण ये जो अपने आते हैं शुभ दिन, इन शुभ दिनों में हमारा ये हमारे मंगल कार्य सफल हो। ओ मेरी देवी हमारे ये भले कर्म सफल हो जाए। किस रूप में? अंतःकरण निर्मल हो जाए, हमारी कमजोरियां निकल जाए। भगवान जी जो कह रहे हैं पूर्ण पेन, उसके ऊपर हमारी बुद्धि और हमारे मन चल पड़े, लग पड़े। एक होता है पैरों द्वारा चलने वाला रास्ता, पगडंडी बोलती है। एक होता है रेलवे द्वारा चलने वाला रास्ता, उसे रेलवे बोलती है। एक होता है ट्रकों द्वारा, उसे रोडवे बोलती है। भगवान हमें मैन वे बता रही है, इंसानी रास्ता। इंसानी रास्ते में जुटने की कोशिश कर रही है। कैसी जगह मैं हंसा करता हूं कि भगवान आपने हमें सत्संग भवन बनाया किस जगह है और हमें कैसे मौका दे रखे हैं। वो देखो परे रोडवे क्या मुझे नजर आ रही है, वो बसें बुसें और वो कारें पूरे जा रही परे रोडवे। और देखिए सेंटर में रेलवे, और जरा ऊपर नजर मारो तो आपके एयरवे जहाज वाले। और ये क्या है? ये मैन वे, इंसानी रास्ता, मानव का रास्ता। यहां सारे रास्ते नजर आ रहे हैं, रोडवे, रेलवे, एयरवे। और जो गीता बता रही है ये है मैन वे, इंसान के मन बुद्धि द्वारा चलने योग्य रास्ता, जिससे जीव अपना कल्याण कर लेता है, जिससे जीव अपनी भलाई कर लेते हैं। मेरी देवियों जुट जाओ, लग जाओ। और भगवान कह रहे हैं वो भी शरीर छोड़ने से पहले, जैसे अच्छे विद्यार्थी इम्तिहान आने से पहले अपनी कमजोरी दूर कर लेती हैं। मेरी बेटियां जो स्टूडेंट हैं बड़ी जल्दी अपनी दूर करते हैं, मेरे एग्जाम आने वाला है। तो भगवान करे शरीर छोड़ने से पहले जो कमजोरियां में नजर आ रही हैं वो दूर हो जाए। तब भगवान वचन देते हैं तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, नागमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। सुना मेरी देवी, बाकी भगवान कर देंगे। जितना हमारे से बन सकता है अपनी सफाई करने की कोशिश करें, अपने को निर्मल करने की कोशिश करें, जितना हो सके। नजर आता है जब देखिए ये नहीं होता, भगवान से मांगो। भगवान हमारे अंतर्यामी है, भगवान हमारे इनड्वेलर है, मांगो उनसे। जैसे आप अपने पिता से बड़े शौक से मांगा करती हैं, अपने भगवान के कहो सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, थोड़ी सी शक्ति मुझे और दे, इस कमजोरी पर भी मैं हावी आ जाऊं, इस कमजोरी पर मैं ओवर पावर आकर के आपको खुश कर सकूं। आगे भगवान कर ही रहे हैं। वो हमारे धोबी बने हुए हैं, जो बाकी धब्बे रहे, कुछ धब्बे हम मिटा लेंगे, जो हमसे नहीं मिटेंगे भगवान की तरफ मैं मिटाऊंगा। शाबाश, और हमारा कल्याण हो जाएगा। आप जानती हैं ना, आप जानती हैं हमेशा चलने वाला ही अपने गंतव्य स्थान यानी मंजिल पर पहुंचता है। जो नहीं चला वो क्या खाक पहुंचेगा, चलने वाला ही पहुंचेगा। आप चल रहे गए, हाँ भगवान जरूर आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। हमेशा मदद उसी की होती है जो पहले कुछ पुरुषार्थ कर रहा हो, उसी की सहायता की जाती है। जो कुछ कर ही नहीं रहा उसकी कोई सहायता क्या करेगा। हमेशा लगने जुटने वालों की सहायता होती है। भगवान करे महाराज जी के इस अनमोल फरमान के अनुसार हम अपने जीवन को बनाते चले। इतने उपदेश देने के बाद हाँ अब भगवान कुछ नियम बनाते हैं। हम लोग जो लगातार भगवान की वाणी ओ एक लंबे समय से सुन रहे हैं, हमें भगवान कुछ प्यार से कहते हैं कि मेरी वाणी की बेकदरी ना करवाना। क्योंकि काफी ज्ञान आपके पास हो गया है, छोटे छोटे बच्चे भी कमाल कर जाते हैं। लगातार जो सुना, पत्थर पर भी लगातार घड़ा रखते रहो तो पत्थर घिस जाता है। कुएं की जो बहुत बड़ी जो है मेरे बेटे जिसमें रस्सी निकलती है, हाँ वो भी घिस जाती है। हाँ बार बार चरखड़ी बोलते हैं उसे, वो चरखड़ी भी घिस जाती है। इस तरह हमने हर रोज भगवान की वाणी सुनी, हमारी मन बुद्धि पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है, वेरी प्लेजेंट एंड वेरी यूजफुल। अब भगवान कुछ इतनी बात कहने के बाद कह रहे गए जरा ध्यान देना, मेरे लिए भी है और आपके लिए, इसलिए मैं जगह जगह नहीं जाता। ये फरमान मुझे नहीं जाने देता। मैं क्या करूं? आपने मुझे कई बार कहा फलानी जगह चलो, फलानी जगह चलो, आप गीता समझा सकती हैं, पर मैं नहीं, मेरे भगवान ब्रेकें लगाई अगली पिछली। ये राज उससे मत कहे जो जाहिर न हो। देखिए ये 17वां श्लोक, भगवान कहते हैं ये जो कुछ सुना ये उसको मत कहना। किसको? जो भगवान का भक्त नहीं है, जिसमें भगवान के प्रति झुकाव नहीं है। आप कहेंगे आप झुकाव पैदा करो, नहीं होता। ये पिछले जन्म के संस्कार आते हैं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके। किसी को कोई भगत नहीं बना सकता जी बेटे, नहीं, किसी को कोई भक्त नहीं बना सकता। पिछले जन्मों के, कई जन्मों के शुभ संस्कार जागती हैं, तब कोई सतोगुण हमारे में प्रबल हो जाता है। सतोगुण की प्रबलता के कारण से हम अपने इष्ट देव जी की ओर स्वयं ऑटोमेटिकली लग जाती हैं। मैंने कई बार आपको पहले कहा मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता, ये प्रेम जाग उठता है पिछले जन्मों के कारण से, भड़काया नहीं जाता। हाँ, मोहब्बत के लिए कुछ खास खास दिल मखसूस होते हैं। हाय, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हर एक के मन पर भक्ति के गीत नहीं गाए जाते, हर एक मन भक्ति के काबिल नहीं होता मेरी देवी भगवती। इसी रब कह रहे हैं, ये राज उससे मत कहे प्रभु किसको जो जाहिद ना हो, जो मेरे भगवान का प्यारा नहीं है। गीता की चर्चा हर जगह न चलाना। गीता की चर्चा, आपको गीता बहुत अच्छी लगती है, पर कब? चूंकि आपके संस्कार जागे हुए हैं, जिससे आप बात करेंगे उसके संस्कार अभी रजोगुणी है, तमोगुणी है। या तो रब एक गुण से सृष्टि बनाता, सतोगुण से, पर रब ने तो बनाई है दो गुण, तीन गुणों से। आप में सतोगुण की प्रबलता है तो आपका मन खामखा भगवान की ओर लगा हुआ, उनमें रजोगुण की प्रबलता है, खामखा उनका जहान की ओर लगा हुआ। शाबाश, जहान में भी तीन विषय है, कंचन कामनी कीर्ति। हाँ, इधर भी तीन विषय हैं, क्या? भक्त, भक्ति, भगवान। ओए ओए, जिसके रजोगुण बढ़ा हुआ है वो धन कमाने में शौक रखेगा, अपनी पत्नी पति के प्यार में शौक रखेगा, इज्जत मान बढ़ियाई में शौक रखेगा। उधर भी तीन विषय हैं, जर जम जमीन। इधर भी तीन विषय हैं, भक्त, भक्ति, भगवंत। वाह, इसलिए जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है और कंचन कामनी कीर्ति के पीछे भाभा बिलियां कर रही हैं, तो अगर हम उनको ये बातें करेंगे, अंधे आगे रोना अपने नैन खोना, या कहूं को कहना कि तुम मोती चुगो, नहीं मोती चुगेंगे। बगलों को कहना मोती चुगो, नहीं, उनकी चोंच चलेगी मछली पर। हाँ, मानसरोवर पर जो राजहंस रहती हैं वो मर जाएंगे, पर अपनी चोंच मोती पर ही चलाएंगे, मछली पर उनकी चोंच नहीं चल सकती। बट नेचुरल, ये राज उससे मत कहे। हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे तो लोकीनाथ, हमारे जीवन के गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर, ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा क्या कह रही है? क्योंकि आपने लगातार भगवान की वाणी सुनी है, ये राज उससे मत कहे। मैं नहीं कह रहा, हमारे इष्ट देव कह रही है, हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक यानी हमारी लाइफ गाइड कह रही है, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर कह रही है, ये राज उससे मत कहे। जय हो मेरे दाता, जो जाहिद ना हो, ये राज उससे मत कहे, जो आबिद ना हो, जो तपस्वी नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान की वाणी में रुचि नहीं रखता। हाँ, ना उससे जो हो बदजबान, नुक्ताचीन, जो कटाक्ष करने वाला है, भगवान और भगवान की वाणी पर जो है कुतर्की है, बदगोई करने वाला है, ना उससे जो हो बदजबान, नुक्ताचीन, ना उससे जो सुनने का खान, जिसको सुनने का शौक ही नहीं है। हर एक के लिए थोड़ी जवानी होती है, हर एक के लिए नहीं मेरी देवी भगवती, ये सिलेक्टेड फ्यू के लिए वाणी है। उधर देखो 7वें अध्याय में जब हमने प्रवेश किया था, क्या भगवान ने हमें हैरानगी में डाला था? हजारों में होगा कोई खाल खालो जिसको फिक्र रसूल कमाल। हजारों में कोई कोई होंगे जिन्हें रब की फिक्र लगेगी, रब की भक्ति लगेगी, अपने कल्याण की कामना खड़ी कर लेंगे। हजारों में कोई कोई, माई का लाल गुरु का बाल, माई का लाल ते गुरु का बाल। हजारों में कोई कोई होता है जिनके मन में आग लगे, मैंने अपना कल्याण करना है, मैंने खाने पीने और बच्चे जमाने में नहीं रह जाना, मैंने अपना परलोक भी बनाना है, परमार्थ भी बनाना है। जहां स्वार्थ का तल्लुक है वहां मैंने परमार्थ का भी वास्ता रखना है। कोई कोई होती है, वरना 99% मनुष्य खाने पीने भोगने। इसलिए हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण फरमाए गए, ये रात उससे मत कहे जो जाहिद ना हो, ये रात उससे मत कहे जो आबिद ना हो, न उससे जो बदज़बान, नुक्ताचीन, न उससे जो सुनने का कहा नहीं, सुनना चाहते ही नहीं है। ना मेरे बच्चे, ये चर्चा, ये चर्चित शब्द ना हो, भगवान की वाणी हमारा तकिया कलाम ना हो। हर एक के साथ भगवान की वाणी बड़ी अच्छी है, वो क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और ये क्या जाने, शैतान क्या जाने अमृत का स्वाद। स्वाद का अमृत का चस्का तो देवताओं से पूछो, हाय हाय, शैतानों को क्या पता। भगवान के प्रेम, भगवान की लगन तो किसी भगवान के भगत जैसी से पूछो, जो ध्रुव है, प्रहलाद है, स्वामी विवेकानंद है, गुरुदेव जी महाराज, स्वामी रामतीर्थ, इनसे जाके पूछो ना भक्ति का चस्का क्या होता है। हाय, हर एक थोड़ा इस मार्ग में लगने वाला है। इसलिए भगवान रोकते हैं कि ना, चाहे कोई कितना ही आपका नजदीकी हो, भक्ति की बातें ना करो, मुंह देख के टिक्का लगाया करो मेरी देवी। जो जैसा है, थोड़ी देर बाद की चुप कर गया, लेकिन भगवान की बातें, भक्ति की बातें, गीता के ज्ञान की बातें नहीं, क्योंकि ये इल्म शही गए, ये राज शही, ये चोटी का ज्ञान है, ये चोटी का रहस्य है, It is a royal secret and it's a royal knowledge. Everyone is not fit for, no doubt. कोई होगा जो इसके लिए अपने आप को जुटाएगा, इसलिए भगवान रोक रहे हैं। ना, हर एक इसके योग्य ही नहीं है, हर एक एलिजिबल भी नहीं है, हाँ हर एक कैपेबल ही नहीं है। एक छोटी सी चपरासी की नौकरी होती है तो भी वे कहते हैं कि भाई वही अप्लाई करें जिन्होंने मैट्रिक पास कर रखी हो। वाह, नौकरी के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। अब जो उसमें क्वालिफाइड नहीं है वो अप्लाई ना करें। आपने कई बार देखा है कि मैं इस नौकरी को योग्य हूं, ये क्वालिफिकेशंस है। तो भगवान की भक्ति कमाने के क्वालिफिकेशंस कौन सी हैं? श्रद्धा, अच्छा, और सतोगुण की अधिकता और वैराग्य, अच्छा विवेक, वैराग, श्रद्धा, ये चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस हैं। अपनी भाषा में कहेंगे विशेषताएं। उनमें विवेक हो, सत्य असत की पहचान हो, वैराग चढ़ता हो जोबन पर, और अटूट श्रद्धा हो। तब भगवान कहते हैं ये मेरे ज्ञान और भक्ति के योग्य है। ये तीन क्वालिफिकेशन होती है मेरे देवियों, विवेक, वैराग और श्रद्धा। जिनमें ये तीन गुण आ जाते हैं वो भक्ति को आ जाए मोस्ट वेलकम। जिनके मन में तड़प हो वो मेरी देविया आ जाए मोस्ट वेलकम। और कलयुग में तो दिन पर दिन भगवान के प्यारे घटते जा रहे हैं। और तो और जब भगवान जी खुद अवतार लेके वापस जा रहे थे, हाँ, तब उन्होंने चौथे अध्याय में क्या, इस योग को आ गया है जवान, खुद कह के चले गए कि अब दिन प्रतिदिन भगवान के प्यारे कम होते जाएंगे। हाय हाय, दिन प्रतिदिन इधर लगन लगाने वाले कम हो जाएंगे। चौथा अध्याय निकाल लो, इस योग को आ गया है जवान। तो अब तो बहुत थोड़े जीव हैं। ये भी बड़ी हैरानगी का आप चारों ओर से इतनी संख्या में आए बैठे हैं। ये तीन अंग मन को बुरी तरह मारती है, बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा देखना, बहुत ज्यादा सुनना। अगर ये कम हो जाए तो मन की शक्ति प्रिजर्व हो जाती है। मन अपनी शक्ति को अपने में रखता है, घटने नहीं देता। अब तो वैसी इकट्ठी की हुई शक्ति भगवान की ओर लग जाती है, महाराज जी की ओर लग जाएगी। वो जो हमारी मेंटल एनर्जी है वो वेस्ट होती है इन तीनों अंगों द्वारा। तो भगवान कह रही है वो वाणी द्वारा नपित उले शब्दों का प्रयोग करेंगे जब जरूरी होगा। ज्यादा बकबक करते भगवान के प्यारे, ज्यादा बकबक नहीं करेंगे। पक्की निशानी मेरी भगवती। जो ज्यादा बोलती है समझिए कहीं गड़बड़ है, अंदर भगवान का जाप नहीं होता होगा, फिर आप में वैराग नहीं होता होगा अंदर, तभी वाणी से बकबक चलता है। वरना कहां दिल करता है बोलने को, दिल कोई बात ही नहीं, बोले क्या। फिर तो जीव अपने को समझाता रहता है, बोलने कोई बात ही रहती ना, किससे क्या बोले, किससे क्या बात कही, कोई कहने वाली बात नहीं रह जाती। सिर्फ अपनाने वाली बात रह जाती है, मन में रखने वाली बात रह जाती है, बकबक करने की कोई बात ही नहीं। सुंदर। आगे क्या हमारे सरताज मन के राजा भगवान कृष्ण क्या फरमाती हैं? शरीर और मन के वो अधीन नहीं रहता। लो, मुक्ति की ओर ले चले भगवान। अब वो शरीर के अधीन नहीं है और ना ही सूक्ष्म शरीर मन के अधीन है। आमतौर पर 99% नर नारी शरीर के अधीन है। विशेष कपड़े, विशेष चेहरे देखने का शौक, विशेष जगह जाने का शौक, विशेष प्राणी पदार्थों के साथ बोलने का शौक, चीजें खाने अधीन है हमारा। और मन भी विशेष प्रकार के विचार करने का आदी हो जाता है। अब नहीं, अब जैसा मिल गया आपने पहन लिया, जैसे खाने को मिल गया आपने खा लिया। को वो जिद नहीं रही, मैंने नहीं रोटी खाई जाती, अगर खट्टी मीठी चटनी है तो मैं नहीं खाती। वाह, नखरे हो गए ना। भूख कभी पूछती है, भूख, हाय भूख लगी हुई तो फिर तो दो रोटियां खाई, अब नहीं। इसलिए वो उनको अपने अधीन कर लेती है शरीर और मन को। वो मन के अधीन नहीं रहती। जो भगवान बता रही है तू अवस्था चोटी की बनती जा रही है। अच्छा, जैसे पहाड़ी पे चढ़ती है तो ऊंचा ऊंचा चढ़ती जा रही है। ये आंतरिक अवस्था हायर, स्टिल हायर, स्टिल हायर। अच्छा, फिर ध्यान के प्रायण रहता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है। ध्यान प्रायण अर्थात मेडिटेटिव लाइफ, अर्थात उसका मन भगवान जी में भंवरा बन के रस लेने लगता है। ओए होए नसी भंवरा फूल पर बैठ के रस खींचता है, इस तरह वो भगवान पे बैठ के रस खींचेगा। क्यों एकाग्र हो गया ना, भटकर बंद हो गई। देखने का शौक नहीं, सुनने का शौक नहीं, ज्यादा चलने फिरने का शौक नहीं, जबान से बकवास करने का शौक नहीं। तो पूरी शक्ति हो गई सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीभूत हो गई। जी हाँ, अब वो केंद्रित, अब वो भगवान में रहेगा, ध्यान के काबिल हो गया, अर्थात मन में विक्षेपता बंद हो गई। सुन लो मेरी देवियों, मेरे सजनों, जो हमारे सरताज फरमा रहे हैं। अच्छा, अब वो ध्यान के योग हो गया। हाँ, वैराग चोटी पे बढ़ जाता है। वैराग क्या मतलब? संसार के प्राणी पदार्थों में उसका मन अब नहीं लगेगा, जहां जिनके बिना वो रह ही नहीं सकता था, और अब उसका मन ही नहीं लगता उनके अंदर, क्योंकि उनको भगवान दिखा देती हैं ये सब चीजें। जा रही गए, जा रही गए। क्या किसी क्या प्यार करूं और क्या इनसे उम्मीदें रखूं? है भगवान, माया का पर्दा काफी उतर जाता है जब अंदर से रस आता है। मेरे सजनों, मेरी देवियों, तो ये बात गहरी उतर जाती है। मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी, जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी, जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी। क्यों? मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। ये सब तो यात्री हैं, और यात्रियों के साथ यात्रा में कैसा कैसी में तरता। कोई किसी पड़ाव पे बैठ जाएगा, कोई कहीं रह जाएगा, कहीं रह जाएगा। अंबाला से आप दिल्ली जा रहे हैं तो बातचीत तो पर ही करते रहेंगे, लेकिन इनको अपना कैसे बनाएंगे? कोई उतरेगा करनाल, कोई उतरेगा पानीपत, कोई सोनीपत, कोई आगे। ये सब तो उतरने वाले गए। नदी, नाव, संयोगी, मेला, ये बात गहरी उतर जाती है, इसलिए वैराग छा जाता। वैराग का मतलब भगवान की ओर मन का झुक जाना और संसार से मन का उठ जाना। पहले संसार में गलतान होते हैं, और जिन्होंने अपना कल्याण काल होता है, अब संसार से उपराम काम करते हुए नजर आएंगे, लेकर उलझे हुए नहीं, सुलझे हुए। भगवती ऐसी मेरी देवियां उलझी नहीं होंगी, सुलझी हुई, क्योंकि कहीं वो फंसी नहीं पड़ी। वासना नहीं उनके अंदर, कामना नहीं है, ना वासना ना कामना, नहीं कोई स्वार्थ भी किसी के प्रति नहीं है। तो बाकी रह क्या गया? इस अवस्था में हमारे महर्षि वेद व्यास जी फरमाते हैं, स्वार्थ समाप्त, स्वार्थ समाप्त, स्वार्थ समाप्त। स्वार्थ उसका खत्म हो गया है। बड़ा इनकलाबी पॉइंट है। स्वार्थ समाप्त, स्वार्थ उसका नहीं रहा, नहीं किसी अंग का नहीं रहा, मन का नहीं रहा, बुद्धि का नहीं रहा, व्यवहार में भी वो कर रहा है व्यवहार। स्वार्थ कोई नहीं, स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। वह फिर क्या देरी रहेगी? जो मन बिखरा हुआ था, यहां था वहां, हियर देयर एवरीवेयर, नाउ आई एम फुल्ली कंसंट्रेटेड। समझ लेने इस पॉइंट को पिकअप कर लो। तलीन हो गया भगवान की जात में। हाँ, मन अपने आप में आ गया। बड़ा अच्छा कहा, स्वार्थ समाप्त। आगे बोलिए, स्वार्थ समाप्त बोलिए। हाय, कितने प्यारे शब्द व्यास जी के, स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। कितना अच्छा हेडिंग है, रोमांचकारी फरमान है अपने अनुभवी महापुरुषों का। है बड़ी चोटी की अवस्था, कोई स्वार्थ नहीं। क्या बन गया? जीव निर्मोही हो गया, वैरागी हो गया। व्यवहार में दिखाई देता है, लेकिन मन उसका अपने आप में रहता है, मन उसका अपने भगवान में लगा हुआ है। ये जिनकी अवस्था बन जाती है, भगवान कहती है, क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, भुला सकता नहीं। वो वहां तो भुलाता है शब्द, मेरे सजनों देवियों, भुला सकता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल, क्यों? वैराग जो हो गया, मन में इतना वैराग आ गया, कहीं मन लगेगा नहीं, कहीं मन जुटेगा ही नहीं। हाँ बाबा, कैसे कैसे महापुरुषों समझाया। आपके पास कोई इश्तिहार है, छोटा बड़ा इश्तिहार है, आप कहीं चौराहे पे लगाना चाहती हैं? हाँ, इश्तिहार अपने आप तो लगता नहीं, आपके हाथ से छूट जाए और दीवार पे लग जाए, नहीं लगेगा। हम अपनी ओर से गोंद लगाते हैं। अरे सुनो, ये दृष्टांत मुझे बड़ा अच्छा लगा जी, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, बहुत अच्छा महापुरुष दृष्टांत है। इश्तिहार तो अपने आप में कागज है, कागज खुश कागज है, हाँ अपने आप नहीं चिपक सकता दीवार पर या जहां भी आप कहीं लगाना चाहे। अपनी ओर से कुछ लगाना पड़ेगा, गोंद लगानी पड़ेगी या आटा घोल के उसकी लेवी बना के चिपकानी पड़ेगी, तब वो लगेगा। इस तरह मन अपने आप नहीं किसी के साथ लगता, अपनी कामना रख करके उसके साथ लगाना पड़ता है। जैसे कागज के साथ कामना करती है गोंद काम, तब वो चिपकेगा। इस तरह मन के साथ अगर स्वार्थ ना हो, कामना ना हो, कहीं चिपकेगा ही नहीं। हमें माँ के साथ स्वार्थ नजर आता है, पिताजी के साथ, बहन भाई, पति पत्नी के साथ, इनका स्वार्थ कामना बन जाती है, फिर हमारा मन चिपक जाता है। जो कोई उम्मीद आ जाती है, ये मेरी कामना ऐसे पूरी करी, इनसे मेरे ये पूरा होगा। और जब किसी नेक जीव का कई जन्मों के बाद स्वार्थ ही समाप्त हो गए, असली राज्य पता, मन अपने आप में। भगवान तो हमारे अंतर्यामी है, क्यों इतने नजदीक होते हुए अनुभव क्यों नहीं होते? मन धक्के खा रहा है, वाह, मन हल्के कुत्ते की तरह बाहर जा रहा है। और क्यों? अज्ञानता में। मुझे यहां से ये मिलेगा, मुझे हालांकि सब कुछ उसको अंदर मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो भागे हुए धक्के खा रहा दर बदर, यहां से मिलेगा, यहां से ये उम्मीदें खत्म, ये लेने देना खत्म, ये अज्ञानता खत्म। हाँ, तो मन टिक गया अपने आप में, लो गया, तलीन हुआ। इस अवस्था भगवान कह रहे गए, वो मेरी जात में तलीन हो जाता। यही तो हम चाहते हैं मेरी देवियों, यही तो हमारे मन में भाव है। उस अवस्था में ये आला तरी ज्ञान हासिल हो। भगवान कहते जब ये तू अवस्था बनाएगा, जब ये तेरी अवस्था बनेगी, तब 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 हर बात को। एक बार आप कहिए मैंने ये फलानी चीज को लेना है, तो लेना है, मिल जाएगी, पर आप काबिल हैं इसके? आप कुछ भी बोलो, वैसे चीज धक्के खाती रहेगी बाजारों में, गलियों में, महलों में, लेकिन एक बार आप चाहना करो, उसके लिए आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। मेरी देवियों को अपने आप को अधिकार नहीं बनाना पड़ेगा। संसार की कोई चीज मांगो तो सही, फिर अधिकार नहीं बनो, डिजर्विंग बनिए। इस तरह अगर हम कल्याण की कामना करें कि मैंने कल्याण करना है, हाँ, तो अधिकारी बनना पड़ता है। अधिकारी के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, कुछ विशेषताएं। जैसे हमने किसी ऑफिस में सर्विस लेनी है, तो वहां पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्रार्थना पत्र तब भेजिए यदि ये विशेषताएं आप में हो तो। 1 2 3 4 लिखो दो क्वालिफिकेशन, वेदर यू आर क्वालिफाइड देन यू अप्लाई। ठीक, इस तरह हम कल्याण चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो अपने हम फिट फार बनाए अपने आप को। ये 2 श्लोकों के अंदर भगवान ने हमारे पर बड़ा भारी एहसान कर दिया कि अपनी आंतरिक अवस्था ये बना लो। अरे सुनना बाबा, हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं, अपने अंदर की ये अवस्था बना लो। अच्छा, ये बना लो अपने अंदर की अवस्था, ना किससे लड़ो, ना झगड़ो, ना कोई बाहर घूमने की जरूरत है, ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत कोई नहीं, जिन्हें जल्दी कल्याण कर जाना ये ले लो और देखते जाओ अपने आप को। मैंने ऐसा बना लेना अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने अंदर के विचारों को, अपने बाहर के आचार को, व्यवहार को इस तरह मोड़ देना है, इस तरह मैंने ढाल लेना है। हाय, गीता के उपदेश के सांची में हमने मन बुद्धि को ढालना है। पर बाबा, ढाली तो वो चीज चाहती है, पहले उसे गला दिया जाए, पानी की तरह गला दिया जाए, तो गला के फिर सांचा बना होता है, उसमें रखा जाए तो फिर वो ढल जाता है। तो पुरानी मन बुद्धि को कैसे गलाया जाए? वैराग्य से, वैराग से, तो शमशीर तजरीद, ये वैराग से। जैसे वो अग्नि चाहिए लोहे को गलाने के लिए, सोने को गलाने के लिए, चांदी या किसी भी धातु को गलाने के लिए, तो बड़ी तेज अग्नि चाहिए, प्रचंड अग्नि का संपर्क चाहिए जरूर। इधर भी प्रचंड तीव्र वैराग चाहिए, जिससे जन्म जन्मांतरों के संस्कार भस्मीभूत हो जाए, इधर की जो बाहर वृत्तियां सर जाए। अब मन महाराज जी के उपदेश के ढांचे में ढल जाएगा। ये होता है कोई कोई, नारियों में तो बहुत कम होती है जो प्रचंड वैराग्यवती बने। अब मन ढल जाएगा जैसे भगवान जी ढलाना चाहते हैं। अजीव कल्याण कर गया। कल्याण करना मुश्किल नहीं, अपने आप को ऐसी अवस्था बनानी मुश्किल है। ये अवस्था लेनी बड़ी मुश्किल है। शाबाश, बहुत मुश्किल है। आहा, एक को डिग्री मिलने लगी एमए की, तो उसने कहा साहब जरा ठहरिए, कैसे? और फोटोग्राफर अभी भाग गया। अरे जल्दी पकड़ो, मैंने औरत दे साहब एक सेकेंड, वो आ गया, बस उसमें करना है भाई, जल्दी दिया, देर होगी तुझे। अरे भाई जल्दी कर साहब, इसी डिग्री लेने के लिए तो मुझे 20 वर्ष गुजर गए। अब आप 2 मिनट भी नहीं मेरे पर तरस कर सकते। ठीक है यंग मैन, आई वेट। 20 साल मैंने लगा दिए इस कागज को लेने के लिए, इस डिग्री को लेने के लिए, प्लीज वेट। और वो आ रहा है कैमरे वाला। अरे यारो, ये अवस्था बनाने के लिए जीव को कितने जन्म लगती हैं, और रब खुद कहता है जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मुशक्कत में दे चुका है। इससे बढ़ के कोई कीमती चीज नहीं है, इससे बढ़ के इंसान की लाभकारी कोई चीज जा। रब खुद अपने मुंह से कहता है, अपने श्रीमुख से कहते हैं, जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई उनसे बढ़ के कोई दौलत नहीं हो सकती। ये चोटी का लाभ है, इसके लिए फिर त्याग बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता है। जो वस्तु जितनी की होती है मूल्यवान, उसके लिए कीमत भी उतनी ज्यादा देनी पड़ती है, नो डाउट। सचमुच अगर आप कल्याण कामी है मेरी देवियों, ये बात अगर सत्य है कि आप कल्याण कामिनी है, मारो यही चोटी का जोर, बनाओ ऐसी अंदर की अवस्था जो भगवान इन 2 श्लोकों के अंदर ये क्या है 51 और 52, केवल ये 2 श्लोकों के अंदर मेरे प्रभु ने गजब ढा दिया। केवल 2 श्लोक 51 और 52 याद रखेंगे आप 18वें अध्याय के। कौन जी मुक्त हो जाती है, किन का अंतर का निर्बल हो जाता है, कौन चोटी के वैरागी बन जाती है, किसके अंदर शानदार इनकलाब आ जाता है, कौन अंतर्मुखी हो जाती है, कौन भगवान के दर्शनों के योग्य, नाना प्रकार के प्रश्नों का एक ही उत्तर देती है मेरे प्रभु 51 और 52 श्लोक में। आप नाना प्रकार के प्रश्न साधना संबंधी कीजिए, ध्यान संबंधी कीजिए, अंतःकरण की सफाई संबंधी कीजिए, सत्संग का ठोस लाभ संबंधी कीजिए। एंड ही इज ए वेरी गुड आंसर, वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल आंसर फ्रॉम ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। आश्चर्य करता है हमारा मन कि थोड़ी में भगवान ने सब कुछ कर दिया। इसे कहा जाता है कूजे में दरिया बंद करना, या गागर में सागर छिपा दिया मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु ने गजब ढा दिया। इन थोड़े के अंदर ही मेरे मालिक ने कमाल करके रख दिया। विचार किया करो बेटे 51 और 52 श्लोक, इस पर सोचो एकांत में जाकर। मुझे तो आप थोड़ा टाइम देती है ना, और केवल आप रविवार को यहाँ आती है, तो इस पर विचार करना चाहिए कि मैं ये ऐसी अवस्था बनाऊं। सजनों, सत्संग में आने का ठोस लाभ या गीता जी के सुनने का ठोस लाभ तो फिर यही है कि जैसे हमारे प्रभु 18वें अध्याय के 51 और 52 श्लोक में अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए, ऐसी अवस्था ईड़ी चोटी का जोर मारो और भगवान से भी कहो मुझे दिव्य शक्ति दे, ओ सर्वशक्तिमान मुझे दिव्य शक्ति प्रदान करो, ताकि आप द्वारा बताएगी इस अवस्था को मैं भी बना लू मेरे श्याम सुंदर, मैं भी ऐसी अवस्था बनाऊ मेरे प्रभु। बात बन गई, बात हो गई। आहा आहा आहा, कितनी शानदार अवस्था, कितनी अच्छी अवस्था। प्रार्थना गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया करो। एक जगह मैंने पढ़ा था, आपको सुनाता हूं। मेरी बेटी, किसी की शादी नहीं होती थी, मेरी बेटी की ओवरेज होती जा रही थी। अच्छा, तो इधर से उधर जाती रहती थी, कभी मंदिर में, कभी कहीं, कभी कहीं। एक दिन में गौरी के मंदिर में चली गई, गौरी शंकर जी मंदिर बोलते थे, गौरी का मंदिर अर्थात पार्वती जी का मंदिर। तो गए, हा, तो बड़ी आकर्षक और प्यारी मूर्ति है गौरी जी की, और साथ ही शंकर है। देखा, प्रणाम किया, रो पड़ी और ताना मारा, गौरी मां कैसे तू नखरे से और शान से खड़ी है अपने शंकर के साथ। तो मेरा शंकर को नहीं पैदा हुआ इस जहान, तू अपना शंकर लेके खड़ी है और हमारा शंकर कोई नहीं। कहती है थोड़े दिनों में गौरी के अंदर हलचल मची और शंकर खड़ा कर दे सामने। तू तो शंकर लिए खड़ी और हमारे लिए नहीं। ओ श्याम सुंदर, गीता में तो आपने ये कह दिया कि ये अवस्था बनाओ, तो क्या हाँ प्रभु आप ताकत नहीं देंगे कि हम ये अवस्था बनाएं? फिर तुम्हें सर्वशक्तिमान कौन कहेगा, सर्वसमर्थ कौन कहेगा? जैसा उस मेरी बेटी ने खड़का के सुनाया गौरी को, अपना शंकर लेके खड़ी है, मेरा शंकर कोई रह गया। और प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, हमें भी शक्ति दो। आप सर्वसमर्थ है, जो चाहे कर सकते हैं, हमें भी समर्थता दीजिए कि जो आपने कहा इसके अनुसार अपना जीवन बनाए, अपने अंतःकरण को ढालें। हाय, गौरी ने जरूर सुना जब उन्होंने मीठा ताना मारा, अपना शंकर लेके खड़ी है, कितनी ऐठ रही हो, कितनी अच्छी लग रही हो, जो मेरा शंकर है वो भी ढूंढवा के भेज दो मेरे पास। ठीक, तो कहो अपने भगवान को, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं ये 51-52 श्लोक के अनुसार, आपके अनमोल फरमान के अनुसार अपनी आंतरिक अवस्था बनाऊं और अपना कल्याण करूं। ये जहान बड़ा विचित्र है मेरे प्रभु, ये जहान बहुत ही दुखदाई आप फरमा रहे, और मेरा अनुभव भी यही कहता है। मैं अपना कल्याण कर जाऊं, आपने इतना अच्छा कहा है, इतना सुंदर बयान किया है, मेरे पे लागू हो जाए, ऐसा प्रार्थना किया करो। जब भी आप देखें मेरे वश की बात नहीं, भगवान तो अंतर्यामी में है। कईयों के भगवान रहते होंगे बहुत दूर, हमारे तो भगवान अपने अंदर से बोलती है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। ओ महाराज जी तो कहती, मैं तो आत्मा बन के तेरे पास हूं, अंदर तो हूं। आप कहो, बार बार प्रेम से कहो, श्रद्धा से कहो, अश्रुपात करके कहो, प्रभु मुझे भी शक्ति दे ताकि ये मैं अवस्था अपनी बना लूं। हाय, ये दोनों श्लोक बड़े इनकलाबी हैं, 51 और 52, दोनों ही बड़े प्यारे। मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, अपनी आंतरिक अवस्था बनाने के लिए, अपने आप को अपना निरीक्षण करने के लिए बहुत अच्छी अवस्था, बहुत ही कमाल के जो मेरे प्रभु फरमा रहे गए। बनाओ मेरे सज्जनों, अपना आना सफल कर लो। आप ही के लिए बैठा हुआ हूं यहाँ पर, मेरा यहाँ बैठना, सुनाना और अपना सुनना, इतने दूर से लगातार आ रहे हो, सफल करो इस तरीके से कि अपनी आंतरिक अवस्था ऐसी मनाओ, अपने आप को ऐसा ढाल लो। भगवान करे जैसे मेरे प्रभु ने ये क्रांतिकारी, अत्यंत कल्याणकारी प्रकरण चलाया हुआ है, हमारी भी आंतरिक अवस्था ऐसी ही बन जाए। प्रभु के चरणों में हमारी सादर से प्रेम प्रार्थना है कि प्रकरण के अनुसार हमारी भी अवस्था बनाए, प्रसंग के अनुसार हमारी भी आंतरिक अवस्था ऐसी बना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।